तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन हक्का नूडल्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी कुकिंग स्पॉट में। तो हम बनाएंगे चिकन हक्का नूडल्स। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, उसे अच्छे से धोकर थोड़े छोटे छोटे पीस में कट करके लिया है। अब मैंने इसमें नींबू, नमक, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का आटा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक आधे घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमने नूडल्स को अच्छे से उबाल लिए थे। उबालने के बाद उसे ठंडे पानी से हमें धोकर लेना है ताकि वो चिपके ना। हमारा आधा घंटा हो चुका है, अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो होटल का नूडल्स, हक्का नूडल्स भूल जाएंगे आप भी और बच्चे भी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है चिकन को, ताकि जले ना हो। अच्छे से हमें फ्राई कर लेंगे, गोल्डन होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हमारा चिकन तैयार है, आप देख सकते हैं उसका कलर स्ट्रक्चर। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे हम, हरी मिर्च स्वाद अनुसार दो या चार, आप कितना आप अपने हिसाब से लें, तीखा जितना चाहिए। दो बड़ी प्याज कट कर लिए हैं, बारीक कट कर कर लिए हमने। तेल में से भी मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च ये भी बारीक कट कर कर लिए हैं, ये अपने अपने हिसाब से आप वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। कैबेज, पत्ता गोभी है, आप चाहो तो उसमें बीन्स, कैरेट, गाजर कुछ भी डाल सकते हैं आप। मटर, इन सबको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब सारे वेजीज को हम एक साइड कर लेंगे और बीच में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये बड़े 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। हमें अदरक लहसुन के पेस्ट में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। इसे भी अच्छे से तेल में फ्राई करने के बाद हम वेजीज में मिला लेंगे। सोया सॉस, लाल केचप, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर, हमने हरी मिर्च भी ऐड की है पहले। नमक आप देखकर ऐड कीजिए, क्योंकि हमने नूडल्स को उबालते वक्त भी थोड़ा नमक डाला था उसमें। फूड कलर, अब उबले हुए नूडल्स, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिलाकर। नूडल्स उबालते वक्त हमें ध्यान देना है जो पानी है वो खारा होना चाहिए, तभी उसमें टेस्ट उतरता है, नहीं तो फीके फीके नूडल्स हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम अपना चिकन उसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप ये ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं ये रेसिपी कैसी बनी थी। आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।